any, but I had jump on flight down. You go with that 43 you had, I didn't hear any, but I had jump on flight down. You go with that 43 you had, I didn't hear any. Kessler, I just wanted to know if you wish to be the back 76. चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी। चलो ले चले तुम्हें जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हम प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हम प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। जो भी इश्क में होते हैं दीवाने से, खुशी नहीं देखी जाती मोहब्बत के जमाने से। मुझे पता है ओ जानम, चाहे कुछ भी हो जाए तो खुद मर जाएगी, जानी ना मरने देगी। मेरा रिश्ता सनम,
प्यार का है ये बंधन। अज अपने विआह नू होया एक साल वे तू रखे अज टी नू बड़े लाडा नाल वे। अज अपने विआह नू होया एक साल वे तू रखे अज टी नू बड़े लाडा नाल वे। पहला ही डिमांड तो तू पूरदा ए रीजा अज फुट फुला वांग मुस्काई सोने जितने भी तेरे ना विआही सोने मेरी जिंदगी रोशनाई सुने जितने दी तेरे ना ब्याही सुने मेरी जिंदगी उतों दी रोशनाई सुने। कवारी यही फिक्र सताउंदा खोरे कीने व्याह के लै जाना है दिल घबराउंदा। कवारी फिक्र सताउंदा खोरे कीने व्याह के लै जाना है दिल घबराउंदा। जदों दी सी कवारी यही फिक्र सताउंदा खोरे कीने व्याह के लै जाना है दिल घबराउंदा। मैनूं आखदे ने तियां वांग मम्मी डैडी दोवें नानी आखदी ना तुके पर जाई सोने जितने दी तेरे ना ब्याही सोने मेरी जिंदगी उतों दी रोशनाई सोने। अज जट्टी वे नाल लईआं लावां दी तू लाज पूरी रखी वे। सच दिलों धन्नवाद तेरा करे अज जट्टी वे नाल लईआं। देखिए जीवन के इस पड़ाव पर जब हम इस प्रणय सूत्र में बंधे तो बंधने से पहले हमने एक दूसरे से कुछ वायदे किए जो जनरली होते हैं। जब सबसे पहली बार मैं इनसे मिला क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कभी बातचीत हुई नहीं लाइव, लेकिन जब मैं पहली बार मिला तो दो तीन प्रॉमिस हमारी रही जो जनरली एक लड़का एक लड़की से चाहता है और एक लड़की अपने हस्बैंड यानी कि लड़के से चाहती है। तो मेरी जो कुछ प्रोमिसेस थी परिवार को लेकर जिस पर आज तक जितना खरा शायद मैं उतरा हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरी पत्नी यानी कि रिमी चाहर जी उतरी हैं और इस चीज़ के लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा विशेषकर इनके समय का कि एक अच्छे शहर से होने के बावजूद हमारे एनवायरमेंटल गांव में अपने आप को एडजस्ट करना ये बहुत बड़ी बात थी। आमतौर से आजकल जो लड़कियां शादी करके आती हैं उनका चॉइस यही होती है कि सिर्फ हमें शहर में ही रहना है गाँव से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और उसके पीछे सबसे बड़ी जो मानसिकता होती है वो यही होती है कि परिवार का साथ ना निभाया जाए। तो भाई मैं तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर के आज तक इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी हर बात को माना गया। ये बात ज़रूर है थोड़ा मुझे समझने में देर लगती है हाँ, लेकिन समझते समझते आज इतना समय हो चुका है बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि आखिर चीज़ें क्या हैं। तो बाकी सब अच्छा है रियली, शायद पहले ना कहा हो लेकिन ये बात सही है कि आप बहुत अच्छी हैं और हमेशा ऐसे ही बने रहना। बाकी पति पत्नी के बीच में यस मैडम की कौन सी वो आदतें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? मैडम की सबसे अच्छी आदतों में एक ये है कि कभी भी किसी से बहस ना करना। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ छोटी छोटी बातों से विवाद हो सकता है तो अपने आप को हमेशा अलग हटा लेती हैं और ये कोशिश करती हैं कि यहाँ विवाद बिल्कुल ही उत्पन्न ना हो, जो कि ये सबसे ग्रेट बात है। आमतौर पे आर्ग्यूमेंट ही किसी बड़े विवाद की जड़ होती है जिसे अक्सर मैडम भुजा देती हैं, छोड़ देती हैं कि नहीं यहाँ नहीं, और मेरे काफ़ी बार पूछने पर थोड़ा बहुत बताती हैं और एक ही गुजारिश करती हैं कि इस पर कोई भी आर्ग्यूमेंट और इस मुद्दे को बड़ा ना बनाया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इस चीज़ को यहीं सुलझा दें। ये उनकी सबसे बड़ी आदत है। हाँ और दूसरा कोई प्रश्न आपका? दर्शक पोएट्री से कोई और एक चंद लाइन है रोमांटिक शायरी। देखिए रोमांटिक शायरी तो मैंने आज ही फेसबुक पे लिखी है और वो
बहुत ही कसम कस के बाद, क्योंकि काफी समय से आजकल सायरन अंदाज रहा नहीं। देखिए शब्दों में तो बहुत कुछ है कहने के लिए। है हकीकत की तस्वीर अगर आँखों में मेरे, है हकीकत की तस्वीर ऐ आँखों में मेरे, तो हर वक्त हर वक्त, हर शाम हर सुबह हर सवेरे, बस तू ही तू है हर सवेरे। अभी दूध पीते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही दूध पिया है। कुछ भी दो शब्द सर के बारे में जो भी मन में आ रहे हैं। नहीं नहीं देखो, अगर तारीफ हुई तो राम कुमार सर कहेंगे कि देखो ऐसी होती है पत्नियां, और अगर हुई तो बोले ये तो सब ऐसी ही होती है। लो जी, डर नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं आप। हाँ, यहाँ बहुत बहुत हिमायती है तुम्हारे। थोड़ा तेज, शब्द ही नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि आप कितने अच्छे हैं। हम इतने अच्छे हैं मैडम। ऐसे नर्वस नहीं होते हैं। आप कौटले डायरेक्टर की पत्नी है, थोड़ा बुलंदी के साथ आना चाहिए जलवा, एकदम चुपी नहीं होते। देखो हमारे चार सर कह रहे हैं जब सर बोलना शुरू करते हैं तो 5 घंटे तक बंद ही नहीं होते। थैंक यू, बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, यू आर ऑलवेज, थैंक यू। ठीक है, बाकी जो भी लोग कुछ कहना चाहें आज की शाम को, चार चांद से पूछ लिए कुछ कहें। देखिए देखो, ये अब शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और मजाक का एक लहजा अलग होता है, लेकिन उम्र ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्ता तो रिश्ता है उसमें जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए सार्वभौमिक हो सकते हैं, साले से कुछ तो। देखिए ये बात तो फैक्ट है, मौसा जी हम आपके भी रिश्ते में लगते हैं, आप भी थोड़ा सा जच वच के रहें, तो इसलिए ये रिश्तेदारी नाते थोड़ा दूर रखे जाए। नहीं तुम्हें फर्क पड़ता ही कब है। आओ बेटा आओ आओ। देखिए वैसे तो जनरली सब जानते हैं, ये मेरी प्यारी क्यूट सी बेटी है जिनका नाम है चित्रा। अक्सर ये रोते हुए पापा को याद करते हुए पाई जाती हैं, और बताओ हंस के दिखा दो, पापा कैसे हंसते हैं, पापा कैसे हंसते हैं ऐसे दिखा दो। प्यार कैसे करते हैं पापा ये भी बता दो, प्यार करते हैं पापा को, प्यार करके दिखा दो, बता दो सब कैसे हंसते हैं। जी और आप सबसे बस यही अनुग्रह रहेगा कि आप सब दुआ करें कि ये जाता हो। पापा कैसे बुलाते हैं बता दो जरा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत बहुत आभार शाम के लिए, स्पेशली जिस भी अरेंजमेंट के साथ ये व्यवस्था की गई, यकीनन मुझे खुद भी नहीं पता था कैसी व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू शाम के लिए। होनी चाहिए भाभी जी की शायरी, नवीन सर की चॉइस है एक शायरी, आप सायरन अंदाज में बताएंगे। शायरी करना नहीं आता कोई। आशीष सर आए प्लीज, प्लीज आज आप ही बोलने का दिन है। नहीं नहीं आप लोगों का बोलने का दिन है आज, आप ही लोग बोलेंगे। देखिए हमारा तो ओके सर, थैंक यू। और तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। पापा हाँ बेटा ये मत कर। पापा हाँ पटा बताओ क्या खाना है। अरे माइक खाओगे क्या, चलो खा लो। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच आप सबका। गुड बाय।